हेलो एवरीवन, कैसे हैं आज आप लोग। तो आज मैं 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट उसका वीडियोस आगे पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा आज फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ा चुका हूं, तो आज हम आज चलते हैं। और मैं जैसे कि मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाता हूं, तो वैसे ही मैं कर रहा हूं आगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। तो देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल एक्टिविटी है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए क्या है। सबसे पहले, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो आप बोल सकते हो कि फर्टिलाइजेशन का मेन इवेंट क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो जब दो गैमेट्स मिलते हैं आपस में तो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो रहा है। उसका देखो, इसको हम ये भी कह सकते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी, इसको हम सिनगैमी भी कह सकते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जायगोट। और क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। हम इसको सॉरी पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो द टर्म सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज फॉर द इंटरचेंजेबली। तो आप बोल सकते हो कि जब दो गैमेट्स मिलते हैं तो गैमेट्स मिलकर जायगोट बनता है, तो हम इस प्रोसेस को बेसिकली दो इंटरचेंज करके बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, सिनगैमी भी हो रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट वुड हैपन इफ सिनगैमी डज नॉट अकर, क्या होगा अगर सिनगैमी नहीं होगा। ठीक है, तो हाउएवर इट हैज़ टू मेंशन हियर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटीफर, भाई ये बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि आपका रोटीफर हो गया, हनी बी हो गया, इवन सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स जैसे कि टर्की, फीमेल गैमेट अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिनगैमी नहीं होता। तो अगर सिनगैमी नहीं होता तो क्या होगा, तो भाई ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके सिनगैमी ना होने के बाद भी इनमें ना बोल सकते हो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखो फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड पार्थोजेनेसिस। ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। वेयर डज सिनगैमी अकर, तो ये सिनगैमी अकर होता कहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं पूछ आपसे, तो देखिए, इन मोस्ट एक्विटिक ऑर्गेनिज्म सच एज मेजोरिटी ऑफ एल्गी फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस सिनगैमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम। तो जो एक्विटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी में रहते हैं, तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो बेसिकली पानी में ही होता है, और वो सकते हो इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा होगा, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस टाइप के गैमेट वो क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो बेसिकली जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जब उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो उनमें जो मेल गैमेट होता है ना उसका जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, और जो आपका फीमेल गैमेट होता है वो एक ही बोल सकते हो या बोल सकते हो उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। पर ऐसा क्योंकि नंबर ऑफ गैमेट्स बहुत ज़्यादा क्यों प्रोड्यूस होते हैं, तो देखो उनका जो चांस ऑफ सिनगैमी होता है ना उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें वहाँ पे जो प्रीडेटर होते हैं ना वो उनके एग को खा जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दिस हैपेंस इन द बॉनी फिशेज फ्रॉग वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस। इनमें ऑफस्प्रिंग भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि इनके गैमेट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और इसलिए होता है क्योंकि चांस ऑफ सिनगैमी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे, ए मेजर डिसएडवांटेज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रीडेटर थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू लाइवलीहुड। इसका मतलब ये होता है कि इसमें क्या होता है ना, इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं जिंदा रहने के। क्यों, क्योंकि उनमें जो प्रीडेटर्स होते हैं ना, प्रीडेटर का मतलब क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ना उनको खा जाते हैं। तो प्रीडेटर का मतलब यही है, जैसे कि ये जो आपका जो बच्चा होगा ना, मतलब जो जायगोट होगा ना, वो उनके लिए क्या होगा, प्रे होगा। प्रे का मतलब ये जिन्हें खाया जाता है, किसके थ्रू, जैसे मान लो हम खाते हैं तो हम उनके प्रीडेटर हो गए। ठीक है ना, तो इसलिए मतलब उनके चांसेस जो होते हैं ना एडल्टहुड के बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब आगे, इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई हायर एनिमल्स सच एज रिप्टाइल्स बर्ड्स मैमल्स इन द मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स ब्रायोफाइट टाइटोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म सिनगैमी अकर इनसाइड। तो अगर आपका जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर हो, तो हम इनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यूज करते हैं। आगे चलते हैं, तो द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैंस कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उनका जो सेक्सेस पार्ट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं और उनका जो गैमेट फ्यूजन भी अंदर ही होता है, ठीक है। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एक्ट फ्रॉम इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। तो आपका एग बॉडी के अंदर होता है और फ्यूज भी अंदर ही होता है, ठीक है ना। तो इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस केस में जो मेल होता है गैमेट वो कैसा होता है, मोटाइल। मोटाइल का मतलब जो मूवमेंट कर सकता है और जो हैज़ टू रीच द एग इन द फ्यूज टू विडिट। और जो आपका फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। आगे, इन दिस इवेंट द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज। तो और आप भी कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होते हैं और जो फीमेल का गैमेट होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है। बेसिकली एक ही होते हैं बोल सकते हो, ठीक है। कभी कभार एक दो हो जाता है पर जनरली एक ही होता है। अब बोल रहा है देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ गैग्स प्रोड्यूस। तो जो नंबर ऑफ एग होते हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं। इन सीड प्लांट हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड फीमेल गैमेट बाय द पोलन ट्यूब। तो जैसे कि अगर आपका मेल गैमेट नॉन मोटाइल है तो इस केस में कैसे होता है, तो इस केस में बेसिकली ना वो पोलन ट्यूब के थ्रू लेके जाते हैं उन्हें। तो आपने शायद क्लास 10th में ही पढ़ा होगा कि कैसे वो लेके जाते हैं, ठीक है। तो आपका देखो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। तो अब जायगोट बनने के बाद क्या होता है, तो ये टॉपिक अगला क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन से इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इवेंट्स होते हैं क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे, तो सबसे पहले आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता क्या है, तो देखो जायगोट बनता है। तो पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जायगोट इज फॉर्म्ड द एक्सटर्नल मीडियम यूजली वाटर। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जायगोट बाहर बनता है। वेयर इज इन दोज एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द जायगोट फॉर्म इन साइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इनमें एग कहाँ बनता है, आपके बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। अब आगे, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब जो फर्दर जो जायगोट का डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है उसके लाइफ साइकिल पे, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म हैज एन एनवायरमेंट इज एक्सपोज टू इट, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरमेंट रह रहा है या किस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन में तो नॉर्मली 9 month का पीरियड होता है जिसे गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई एल्गी द जायगोट डेवलप अ थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेजिकेशन एंड डैमेज। तो आपका बेसिकली जो फंजाई और एल्गी होता है ना, जायगोट बनने के बाद ना उनके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, बहुत ही हार्ड लेयर, जो उसे बचाता है डेजिकेशन और डैमेज से, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वो बेसिकली बाहर होते हैं, पर हमारे बॉडी में तो जायगोट अंदर बनता है ना, तो अब प्लस हमारी बॉडी प्रॉपर से न्यूट्रिशन भी देती है जिससे ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो अब बोल रहा है इट अंडरगो अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। तो बोल सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनका जो जायगोट बनता है वो एक रेस्ट पीरियड में आता है। रेस्ट पीरियड का मतलब उन पे ना एक अच्छी लेयर बनी होती है, वो तब तक नहीं हटती जब तक वो लेयर, ठीक है, वो तब तक नहीं हटती जब तक वो लेयर क्या बोलते हैं, मतलब जब तक उनके लिए फेवरेबल कंडीशन आए, ठीक है। अब आगे, इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल एज यू हैव रीड इन क्लास 11, जैसे कि आपने क्लास 11 पढ़ा है, जायगोट डिवाइड बाय मेयोसिस टू फॉर्म हैप्लोइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लोइड इंडिविजुअल। तो आपने क्लास 11 से पढ़ा होगा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल्स में क्या होता है कि जो आपका जायगोट होता है वो डिवाइड करता है और जो बेसिकली जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो हैप्लोइड होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो अब 11th क्लास में पढ़ना था, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं फिलहाल। तो हम आगे चलते हैं, क्या जायगोट जो होता है, जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो बोलना चाह रहा है कि जो आपका जायगोट होता है ये एक कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और ये बोल सकते हो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। एवरी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जायगोट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने आज बन रहे हैं, सारे सब ने यहीं से लाइफ स्टार्ट किए, एक तरह से जायगोट से स्टार्ट किए, ठीक है ना। तो देखो अब जायगोट बन चुका है,
अब जायगोट बनने के बाद ना, अब आपका जायगोट जो होता है उसमें ना बेसिकली बोल सकते हो उसका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। तो साइज बढ़ने के लिए बेसिकली होता क्या है, तो एक प्रोसेस पढ़ेंगे हम, उस प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। तो जायगोट का डेवलप होना एम्ब्रियो में, इसे एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो देखो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन। तो आपका जो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है उसमें क्या होता है, आपका जायगोट सेल डिवीजन करता है, ठीक है। सेल डिवीजन में माइटोसिस होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है। तो देखो जैसे कि जायगोट बनता है ह्यूमन बॉडी में, तो सिंगल बोल सकते हो छोटा होता है बहुत, फिर जब 9 महीने बाद क्या एक बड़ा सा बोल सकते हो कि अच्छा खासा साइज का ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो कैसे हो पाता है, तो इसके लिए आपका जो जायगोट होता है ना, उस जायगोट का सेल डिवीजन भी होता है और सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। देखो सेल डिवीजन का मतलब ये बोल सकते हो माइटोसिस, बेसिकली एक सेल का दो में टूटना, दो से। तो देखिए साइज, नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं, फिर उसका तो उनका मियोसिस भी होता है, जिस वजह से सेल डिफरेंशिएशन, आपका जो सेल बन चुका है अब वो प्रॉपर डिफरेंशिएट, अब वो प्रॉपर काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो देखो वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, आपका सेल डिवीजन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाता है इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है, हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स टू सर्टेन अंडर सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। और वो आपका डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपका जो है वो बेहतर बन जाता है सेल। जैसे कि मान लो हार्ट है, हार्ट के सेल्स बन चुके हैं, अब उसको डिफरेंशिएट होना है, मतलब उसको काम करना स्टार्ट करना है, तो उसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे यू हैव स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लासेस। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें आपका जो जायगोट है वो धीरे धीरे डिवाइड भी करता है और क्या होता है, डिफरेंशिएशन भी करता है। तो इसे बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब उसका कुछ जो छोटी नॉर्मल बात है जो आपको पढ़ी होगी आपने पहले ही, जैसे कि बहुत इजी होता है क्या, कि जैसे कि ओवीपेरस कौन होते हैं और वीवीपेरस कौन होते हैं। तो देखो ओवीपेरस ये वो होते हैं जो एग देते हैं, मतलब जो मतलब ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एग की फॉर्म में देते हैं, फिर बाद में वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना वो एग टूट जाता है, फिर उसमें से आपका यंग वन निकलता है। तो ओवीपेरस वो होते हैं जो एग देते हैं, ओवीपेरस होते हैं जो एग यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बता रखा है, तो देखो वेदर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड, वेदर दे ले एग फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग टू गिव यंग बंस। तो बोलना चाह रहा है कि हम बात करें कि बॉडी में आपका जो जायगोट है वो अंडर डेवलप कर रहा है, बाहर डेवलप कर रहा है, या जो जायगोट डेवलप करने के बाद जो बच्चा प्रोड्यूस हो रहा है या अंडे दे रहे हैं, तो हिसाब से आप डिवाइड करेंगे। तो बता रखा है इन ओवीपेरस एनिमल लाइक रेप्टाइल एंड बर्ड्स। तो बता रखा है ओवीपेरस जैसे क्या, आपके रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्या करते हैं, इनका ना ये एग देते हैं, क्या देते हैं, एग। तो द फर्टिलाइज एग कवर्ड बाय कैल्केजियस शेल आर लेड इन अ सेफ प्रे सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट आफ्टर अ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैचेस आउट। तो ये इम्पोर्टेंट है कि एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड ये वो पीरियड होता है जिस दौरान आपका एग ना, एग के अंदर का जो ऑर्गेनिज्म वो डेवलप हो रहा होता है। फिर बोल सकते हो जब वो पीरियड आ जाता है तो इस बीच पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ना आपका जो जायगोट, आपका जो एग है वो टूटता है, हैच होता है, आपका यंगन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये होगी बात ओवीपेरस की। अब आगे ऑन दी अदर हैंड इन वीपेरस ऑर्गेनिज्म मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स द जायगोट डेवलप इन टू अ यंग वंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। After attaining a certain stage of growth, the young one are delivered out of the body female organism. तो बोलना चाह रहा है कि जब आपका बच्चा प्रॉपर डेवलप हो जाता है माँ के पेट में, तो अब वो बच्चा बाहर आ जाता है यंग वंस की फॉर्म में, एग की फॉर्म में नहीं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वीपेरस। अब बोल सकते हो ना, और इनके चांस भी ज़्यादा होते हैं जीने के, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन वीपेरस ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे पूछे ना कि वीपेरस में ऑर्गेनिज्म, वीपेरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बच्चों के जो चांसेस होते हैं जीने को ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ओवीपेरस, क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रोनिक बोल सकते हो कि एम्ब्रोनिक एनवायरनमेंट प्रॉपर मिलता है और प्रोटेक्शन मिलता है अंदर, इसलिए वो प्रॉपर डेवलप कर मतलब जी पाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ना फिर कुछ बातें हैं, इन फ्लावरिंग प्लांट द जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जो फ्लावरिंग प्लांट में जो आपका जायगोट बनता है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। ओव्यूल क्या होता है, ये एक आउटर कवरिंग होती है जिसके अंदर एग होता है, और एग के साथ
आपका क्या फ्यूज हो जाता है, एग के साथ पॉलन ग्रेन फ्यूज होता है, वो जायगोट बनाता है। बोल रहा आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल्स एंड स्टैमेन ऑफ द फ्लावर विद अ फॉल। तो बोलना चाह रहा है क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, मतलब पॉलिनेशन हो जाता है, उसके बाद आपके जो क्या बोलते हैं सेपल्स और पेटल्स होते हैं वो गिर जाते हैं। जानते हो क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि जब तक सेपल्स पेटल्स होते हैं वो बेसिकली अट्रैक्शन को शो करता है। अट्रैक्शन का मतलब ये है कि वो जो आपके इंसेक्ट हों वो उसके पास आए और अपना पोलन ग्रेन वहाँ पे रख दें, ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा करते हैं। अब देखो अब बोल रहा है क्या, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच। तो उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। पिस्टिल हाउएवर द रिमेन अटैच टू द प्लांट द जायगोट डेवलप इन टू द एम्ब्रियो एंड विल डेवलप इन टू सीड। तो बोल सकते हो कि जो आपका जायगोट है वो डेवलप हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, और आपका जो ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। तो अब ओवरी डेवलप इनटू अ फ्रूट विच डेवलप अ थिक लेयर। तो बोल सकते हो कि आपके ओवरी के ऊपर एक थिक लेयर होती है जो आपको बचा कर रखती है उसके उसको, ठीक है। तो बोल सकते हो इसका क्या काम होता है, पेरिकार्प का, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, ठीक है ना। अब उसको आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो जब वो सीड जहाँ जहाँ गिरता है ना, और अगर सीड को प्रॉपर कंडीशन मिल गई, डिस्पर्सल का मतलब होता है गिरना, तो जहाँ गिरने के बाद उसे फेवरेबल कंडीशन होगी तो आपका क्या, आपका सीड क्या कर जाएगा, जर्मिनेट। जर्मिनेट का मतलब एक नया प्लांट बनने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इस चैप्टर का बेसिकली क्या, इस चैप्टर की मैंने आपको लाइन टू लाइन पढ़ा दिया है। बाकी मैं अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं चैप्टर सेकेंड पढ़ाऊँगा, ठीक है।